प्यारे बच्चों, सिक्स क्लास, आज हम पंजाबी में पृष्ठ नंबर 13 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों ने पंजाबी में 35 यानी वर्णमाला पढ़ ली है, जिसकी वीडियो भी भेजी गई थी और लिखने का तरीका बताया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब किया है जो कार्य आपके लिए भेजा गया था। अब जो आज हम करने जा रहे हैं उसमें है अक्षर तो बाद द अक्षर लिखो, उदाहरण देता है। यानी जो 35 में सपोज़ करो कि आपने सबसे पहले उड़ा पढ़ा था, उसके बाद ईड़ी आता है, यानी कि आपको उड़ा के बाद ऐड़ा आता है, तो उड़ा के बाद आपको ऐड़ा लिखना है। इससे कक्का है, कक्का के बाद खक्का आता है, इस तरह से आपको लिखना है। ये बताना किसके बाद क्या आता है, राइट। चलिए, जैसा कि अब हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बार ये करवाऊंगी उच्चारण करके, और सुनेंगे और लिखेंगे आप स्वयं ही। कक्का, कक्का के बाद आता है खक्खा, सस्सा, सस्सा के बाद आएगा हहा, खक्खा, खक्खा के बाद आएगा गग्गा, टट्टा, टट्टा के बाद आता है ठट्ठा, नेक्स्ट है गग्गा, गग्गा के बाद आता है घग्घा, इसके बाद जज्जा है, जज्जा के बाद आता है झज्झा, झज्झा मीन्स झंडे वाला, तत्ता, तत्ता के बाद आएगा थत्था, थत्था के इसके बाद ईड़ी है, ईड़ी के बाद आएगा सिस्सा, घग्घा के बाद आएगा नैया, घग्घा के बाद आएगा हाहा, नैया हो गया पप्पा, पप्पा के बाद आएगा फफ्फा, फफ्फा फल, ठट्ठा के बाद आएगा डड्डा, पप्पा, फप्पा, बब्बा, पप्पा के बाद आएगा फफ्फा, और ठठा के बाद आएगा डाडा, दद्धा के बाद आएगा नाना, रर्रा के बाद आएगा लाला, और लाला के बाद आएगा वाइबा, आ ऐड़ा के बाद आएगा ईड़ी, झज्झा के बाद आएगा चच्चा, छच्छा, छच्छा के बाद आएगा जज्जा, जज्जा जहाज वाला, डड्डा, डड्डा के बाद आएगा टट्टा, ठट्ठा, डड्डा, ढड्ढा। देखिए ऐसे बोलकर लिखना है, इसे ढड्ढा है तो आपको टट्टा की लाइन बोलनी है, टट्टा, ठट्ठा, डड्डा, डड्डा के बाद ढाढ़ा, इसके बाद ये थत्था है तो आप त की लाइन बोलेंगे, तत्ता, थत्था, डड्डा, दद्दा, थत्था, दद्दा, ठीक है। इसके बाद दद्दा आएगा, सस्सा के बाद सस्सा पैर बिंदी के बाद आएगा खक्खा पैर बिंदी। यानी कि जो अक्षर आपको दिया गया है वो कौन सी लाइन से लिया गया है वहीं से आपको बोलना शुरू करना है, और फिर आपको नेक्स्ट नंबर जो अक्षर है वो पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। अब दूसरा जो इसमें अभ्यास दिया गया है उसमें अक्षर तो पहला दा अक्षर लिखो, और उदाहरण दिया गया है हाहा, हाहा तो पहला किया दा सस्सा। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आपको उसी तरह से लाइन बोलनी है जैसे हाहा बोला है, तो आपको हाहा से पहले उड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, यानी हाहा से पहले हमने सस्सा बोला और सस्सा ही लिखना। अब गग्गा है, गग्गा के लिए आप कक्का की लाइन पढ़ेंगे, कक्का, खक्का, गग्गा, हाँ तो गग्गा से पहले हमने क्या बोला, खक्खा, इसके बाद है ठट्ठा, ठट्ठा से पहले टट्टा, ठट्ठा, यानी ठट्ठा से पहले हमने क्या बोला, टट्टा, और ऐड़ा के से पहले हम बोलेंगे उड़ा, और घग्गा से पहले हम फिर कक्का की लाइन पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो घग्गा से पहले गग्गा आएगा और दद्दा, दद्दा के लिए हम किसकी लाइन पढ़ेंगे, तत्ता की, तत्ता, थत्था, दद्दा, दद्दा से पहले हमने बोला थत्था तो आपको यहाँ थत्था लिखना है। इसके बाद है वावा, वावा से पहले आप किसकी लाइन पढ़ोगे, यैया की, यैया, रारा, लाला, वैवा, यानी वावा से पहले लाला आएगा, ठीक है। इसके बाद है ये झज्झा, चच्चा के लिए हम किसकी लाइन पढ़ेंगे, चच्चा की, चच्चा, छच्चा, तो छच्चा से पहले चच्चा आएगा, ठीक है, छच्चा से पहले
जाएगा। उसके बाद है रारा, रारा से पहले क्या आएगा, याया, ठीक है। इसके बाद है नाना, नाना से पहले आएगा ना ना ना, नाना आएगा तत्ता की लाइन में, तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नाना, यानी नाना से पहले धद्दा धनुष का आएगा। बब्बा, बब्बा से पहले आएगा, यानी कि प की लाइन पढ़ेंगे, पप्पा फप्फा बब्बा, बब्बा से पहले हमने फफ्फा बोला, फफ्फा लिखना है। थत्था, थत्था के लिए हमें तत्ता की लाइन बोलनी, तत्ता थत्था, यानी थत्था से पहले तत्ता आएगा। सस्सा, सस्सा खक्खा, ये अब आपको क्या करना है, सस्सा तो सबसे पहले आता है, यानी उससे पहले क्या आएगा, इससे ऊपर वाली लाइन का अंतिम अक्षर, याया रारा लाला वावा डाडा, है ना। तो ये डाडा यहाँ पर आपको लिखना है, सस्सा से पहले डाडा आएगा, ठीक है। के बाद है खक्खा, खक्खा से पहले कक्का आएगा, बहुत आसान है। लाला, लाला मतलब सबसे लास्ट का अक्षर है, नहीं सॉरी लास्ट वाला लला पैर बिंदी नहीं है, लाला है ये या की लाइन में, या रारा लाला, यानी कि लाला से पहले रारा आएगा। उसके बाद है सस्सा पैर बिंदी, अब सस्सा पैर बिंदी से पहले क्या आएगा, या की लाइन का सबसे लास्ट वाला अक्षर यानी डाडा, ठीक है। लाला दो बार आ गया है यहाँ पे, नहीं अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉरी हमने सस्सा पढ़ा था ना, सस्सा से पहले हमने आपको बताया था डाडा आएगा, डाडा नहीं आएगा, सस्सा से पहले, सस्सा से पहले ईडी आएगा, है ना। ये जो हम पढ़े ये है सस्सा पैर बिंदी, यानी सस्सा से पहले ईडी आएगा और सस्सा पैर बिंदी से पहले डाडा आएगा। इसके बाद है फफ्फा, अब ध्यान रखिएगा सस्सा और सस्सा पैर बिंदी, खक्खा और खक्खा पैर बिंदी में अंतर है, तो जो बिंदी वाले हैं वो सबसे लास्ट की लाइन में हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पहचान करेंगे इनकी। फफ्फा, फफ्फा से पहले आएगा पप्पा, जज्जा, जज्जा से पहले आएगा, जज्जा आता है चच्चा की लाइन में, है ना, तो चच्चा की लाइन पढ़ेंगे, चच्चा की लाइन में हमारे पास आ गया जज्जा, और जज्जा से पहले आएगा चच्चा छच्छा, ठीक है, छच्छा आएगा जज्जा से पहले। इसके बाद है ये आ गया आपका नैया, ये है नैया, नैया से पहले क्या आएगा घग्घा, और उसके बाद फफ्फा पैर बिंदी है, इससे पहले आएगा जज्जा पैर बिंदी। तो प्यारे बच्चों आपको जब आप बिफोर और आफ्टर में से कुछ भी देखना हो, बाद या पहले वाले में से जो देखना है, तो आपको ये पहचान करनी है कि ये वाला अक्षर किस लाइन में आता है, तो वही लाइन आपको पढ़नी है, और पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि इस अक्षर से पहले क्या आएगा और इस अक्षर के बाद क्या आएगा। और इस तरह से आपका ये जो है पार्ट दो का अभ्यास कंप्लीट हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।